हेलो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मंगाई लो सीधे करना सीधा सीधे सीधा हाँ बस बस ठीक है कोई गल बाकी वहां रखो एक दिवा शहीदों के नाम राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ है जो हमारे जिन जवानों ने शहादत दी है आज बजरंग दल एकता द्वारा श्रद्धांजलि दी गई दीये जलाकर उनको शहीद जवान के नारे यहाँ पर लगाए गए। और हम आपको बता दें यहाँ पर बजरंग दल कटरा की तरफ से आज उन जवानों को जिन्होंने शहादत दी है उन पर जवानों को आज राष्ट्रीय बजरंग दल कटरा द्वारा यहाँ पर दिए जलाए गए और उन्हें याद किया गया कि वो जवान अमर रहे। कितना कारना जो हमला जो कारना हरकत जो की है पाकिस्तान ने कितना कारना समझते हैं। सर मैं नागेश्वर सिंह बजरंग दल अध्यक्ष कटरा से। ये जो हरकत हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है और ये बुजदिल हरकत है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और आज हम यहाँ सब बजरंग दल के साथ मतलब सबने हमने मिलकर यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है कि हम सब मिलकर इन शहीदों के लिए प्रार्थना करेंगे इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं ताकि इन जवानों के परिवारों को इंसाफ मिल सके और इन जवानों की आत्मा को शांति मिले। हम सब यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं। कर्नाटका में कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र निकाला गया है और वहां पर कहा गया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इसके ऊपर तो देखिए वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा किसे बैन किया जाएगा और किसे नहीं। पहली बात है ये तो अभी इन हमारे हिंदुओं पे है कि वो वहां पे कांग्रेस को लाते हैं या किसी और पार्टी को। सर क्या कहना चाहेंगे कितना कारना हरकत जो पाकिस्तान ने जो हमारे शहीद हुए हैं जिन्होंने शहादत दी है क्या कहें? देखिए 15 दिन में हमारे 10 जवान जो है हमने खोए हैं। ये वीर जवान जो है वो शहीद हुए हैं देश के मातृभूमि की रक्षा करते हुए। एक बड़ा कारणपूर्ण हरकत जो है ये पाकिस्तान जो है वो लगातार कर रहा है। भारत ने हमेशा उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की कोशिश की लेकिन उसने हमेशा हमारी पीठ के अंदर छुरा घोंपने का जो है वो दुस्साहस किया। लेकिन अब ये लातों के बूथ जो है ये बातों से मानने मल्ले नहीं है। हमने पहले भी केंद्र सरकार को चेताया था कि अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान के लाहौर के अंदर तिरंगा फहराया जाए क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये केवल गोली की भाषा गोली से ही समझेगा। हम इसको प्रेम भाव से समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसको गोली ही चाहिए। अब हमारा जो पीओजे के है अब हम वो भी वापस लेंगे और वही जो श्रद्धांजलि सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो हमारे वीर जवानों को होगी। लेकिन ये जो हमारे जवान जो शहीद हुए
हमें खून का बदला खून से चाहिए, यह भी मांग हमने केंद्र सरकार के आगे रखी है कि अगर हमारे 10 जवान गए, हमें 100 आतंकवादियों के सर चाहिए, हमें 100 पाकिस्तानी सैनिकों के सर चाहिए, तभी हमारे कलेजों के अंदर जो है वो ठंडक पहुंचेगी। क्योंकि किसी बहन ने अपना भाई खोया है, किसी बहन का सुहाग उजड़ा है और माताओं ने अपने बच्चे खोए हैं, इसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता। और एक जवान तैयार करने के लिए किस प्रकार की मेहनत लगती है और किस प्रकार से एक जवान तैयार होता है, यह शायद किसी को मालूम नहीं। और एक बहुत बड़ी क्षति जो है यह हमारे देश के लिए हुई है कि 10 जवान 15 दिन के अंदर डांगरी के अंदर हिंदुओं का अत्याचार, पूरे पंजाब को फिर दहलाने की कोशिश। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि लगता है हमें जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरे पंजाब के अंदर बन रही है, पीर पंजाब को फिर से आतंकवाद ग्रस्त करने की कोशिश जो है पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। हमारी सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट होना पड़ेगा और लोकल लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने देखा कि पिछली बार जब हमारे 5 जवान शहीद हुए तब भी हमने मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये लोकल के मदद के बिना ये घटना जो है, इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। और ये बात सामने आई है कि 6 से ज्यादा लोग जो है वो आज पुलिस की हिरासत में है, NIA वहां जांच कर रही है। और एक मौलवी जो है वो पुंच का जो है वो बटिंडी से उठाया गया है, जो उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो लोकल की मदद के बिना ये चीजें संभव नहीं है, और लोकल जो लोग मदद कर रहे हैं ये आतंकवादियों से भी बड़ा खतरा जो है वो देश के लिए है। सबसे पहले इनको बीच चौराहे के अंदर लाकर गोली मार देनी चाहिए, इनको कहीं भी जेल के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों हमारी सरकार की इनको रोटियां खिलाने का काम कर रही है? अरे इनको बीच चौराहे के अंदर लाकर जिंदा जलाने का काम किया जाए, ये हम मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। हमारे जवान जो है तब तक इसी प्रकार से शहादत अपनी देते रहेंगे, और सरकार को ठोस कदम उठाने का समय है। और सरकार को जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर, जब उड़ी के अंदर हुआ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब पुलवामा अटैक हुआ तो सर्जिकल यह स्ट्राइक हुई, और आज क्यों नहीं 10 जवान हमारे जवानों की शहादत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने हौसला अफजाई की जवानों की, और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं की गई है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान के लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए हवा में। कांग्रेस द्वारा कहा गया है कर्नाटक में कि बजरंग दल बैन कर दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आता है, तो इसके ऊपर क्या टिप्पणी करें? देखिए, जो कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, इनको आगरा के अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत है। अरे कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि वो हिंदू संगठनों की तुलना जो है वो PFI जैसे आतंकी संगठन से कर रही है, और आतंकी संगठन ये PFI जो है ये केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो ये PFI है, ये कई देशद्रोही घटनाओं में जो है वो संलिप्त पाया गया है, इसके कई जो लोग हैं आतंकवादी है, कई यहाँ पर कई प्रकार की जो है देश के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई करने की जो है कोशिशें की है, इसलिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा हिंदू नेता या कोई ऐसा हिंदू संगठन मुझे बताइए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया, ऐसा कोई नहीं है। तो किस बात पर उसके प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं? इसका जवाब पूरे देश के अंदर पूरी जनता जो है वो देगी। ये केवल कर्नाटक की बात नहीं रहेगी, यह पूरे देश की बात रहेगी है। अभी आने वाले दिनों में राजस्थान में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, उसके अलावा और भी कई जगह इलेक्शन होगी। इसका मुंह तोड़ जवाब जो है हिंदू लोग जो है वो इनको देंगे, क्योंकि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र से अब डर चुकी है। हम मांग कर रहे हैं, हमारा संत समाज मांग रहा है हिंदू राष्ट्र की, और हिंदू राष्ट्र हम लेकर रहेंगे और डंके की चोट के ऊपर लेकर रहेंगे। हम संत समाज की परछाई है, संत समाज हमें जो दिशा निर्देश देगा हम उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि संत हमारे पूजनीय है। तो संत समाज ने एक आवाज उठाई है कि हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए, तो हम उस हिंदू राष्ट्र के ऊपर चल रहे हैं, और जल्द हिंदू राष्ट्र को भारत को घोषित किया जाएगा। एक दिया शहीदों के नाम, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धांजलि शहादत दिए हुए। जय हिंद।